खूबसूरत सिस्टम के माध्यम से मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 89,000 रुपीज़ इस खूबसूरत सिस्टम के माध्यम से आ चुके हैं। साथियों, थोड़ी बात करूंगा इस सिस्टम खूबसूरत सिस्टम के मार्केटिंग प्लान के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को मजबूत बनाती है उसकी बेस, तो इस खूबसूरत सिस्टम का बेस है मार्केटिंग प्लान। जो RCM जो पैसा देती है डिस्ट्रीब्यूटरों को, यानी हम और आप जो सभी इस सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो पैसा बांटती है कंपनी, वो पैसा कहाँ से बांटती है, कैसे मिलता है, और हर आम आदमी इस कंपनी में कैसे सिस्टम में जुड़ सकता है, और सिस्टम के माध्यम से शुरुआत चंद रुपयों से लेके और लाखों करोड़ रुपए इस खूबसूरत सिस्टम से कैसे कमा सकता है, वो है इस खूबसूरत सिस्टम का मार्केटिंग प्लान। तो साथियों, आज हम मार्केटिंग प्लान के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि भाई इस सिस्टम के माध्यम से ये सिस्टम कैसे पैसा बांटता है। तो शुरू करते हैं, चलिए साथियों। शुरुआत यूँ होती है कि हम और आप सभी पैसा क्यों कमाते हैं। सीधी सी बात है भाई, जीवन जीने के लिए। तो जीवन हम किससे जीते हैं, कि भाई सीधी सी बात है कि भाई हम जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से हम अपने जीवन के आसान बनाने के लिए अपनी जरूरत की प्रोडक्ट परचेज करते हैं। वो प्रोडक्ट हम कहाँ से लाते हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई हम प्रोडक्ट लाते हैं नियर बाई मार्केट से। वो कोई दुकानदार दुकान हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है, कोई सुपर मॉल हो सकता है, वहाँ से हम वो प्रोडक्ट लाते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, किराने का सामान हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें हमको किस सिस्टम के माध्यम से मिलती हैं, तो मार्केट में जिस जो सिस्टम काम करता है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मार्केट कैसे काम करता है वो एक बार हम समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि RCM सिस्टम कैसे काम करता है। तो साथियों, ये थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केट इस तरीके से काम करता है, हम और आप एक कस्टमर हैं। अभी जब कस्टमर को कुछ भी चाहिए होता है तो कहाँ से लेके आता है, स्वाभाविक है नियर बाय दुकानदार के पास। अब दुकानदार हम और आपको खूब अच्छे से पता है कि दुकानदार खुद घर पर प्रोडक्ट बनाता नहीं। अब ये दुकानदार क्या करता है, बच्चे थोड़ा स्टॉप कर जो। तो साथियों, हमें पता है कि ये दुकानदार अपने घर पर कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है, ये किसी न किसी होलसेलर से परचेज कर लाता है। क्या होलसेलर भी क्या खुद बनाता है, नहीं। तो ये होलसेलर भी किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता घर पे, वो किसी न किसी एजेंट के पास से सामान लेके आता है। एजेंट भी खुद नहीं बनाता, वो किसी न किसी कंपनी के पास से लेके आता है। अब इस एजेंट को कैसे पता चलेगा कि कुछ प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है और वो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है। तो कंपनी क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो किसी न किसी एडवर्टाइज वाले को पकड़ती है, यानी कि कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, हम और आप तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है। वो कोई ना कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, कोई भी हो सकता है, उन लोगों को पैसा देती है, लाखों में नहीं करोड़ों में, करोड़ों रुपए देती है कंपनी, और उस प्रोडक्ट का पैसा इन्हीं वो करोड़ों रुपया इस प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है। अभी सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये एडवर्टाइज का पैसा कंपनी के बनाए हुए, जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज मानो एक लग साबुन है, कंपनी ने 7 रुपए का रॉ मटेरियल लगाकर साबुन बनाया, 2 से 3 रुपया कंपनी का खुद का प्रॉफिट ऐड होके ये 10 रुपए में कंपनी को पड़ गया। कंपनी ऐश्वर्या राय को पैसा देती है करोड़ों रुपया, और वो करोड़ों रुपया सीधा ऐड हो जाता है या प्रोडक्ट में, यानी लगभग 3 रुपया। अब ये साबुन हो गया 13 रुपए का, ये एजेंट आया कंपनी के पास से साबुन लिया, उसने 2 रुपए अपना ऐड कर दिया, साबुन हो गया 15 रुपए का। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के पास आया, उसने साबुन लिया, उसका 2 रुपया ऐड हो गया, ये साबुन हो गया 17 रुपए का। सुनते जाना। अब ये होलसेलर आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, इसने साबुन लिया, इसने अपना 2 ऐड कर दिया, ये साबुन हो गया 19 रुपए का। ये दुकानदार होलसेलर के पास आया, इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये साबुन हो गया, क्योंकि ये कम पैसों में प्रॉफिट में बिजनेस करते हैं, दुकानदार थोड़ा ज्यादा कमाता है, तो ये साबुन हो गया 25 रुपए का। अब समझने की कोशिश करना, आप हम सभी ग्राहक जब दुकानदार से कोई चीज लेते हैं, जैसे मान लो साबुन लिया, तो 25 रुपया कस्टमर दुकानदार को दिया कस्टमर ने, अब आप देखिए कंपनी के पास कितना जा रहा है, 10 रुपया, आपकी जेब से कितना गया, 25 रुपया, यानी 15 रुपये ऑलमोस्ट 15 रुपये इन चंद लोगों की जेब में चले गए। किनके,
हमारे और आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन 5% लोगों की जेब में चली गई। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। इसके अंदर कुछ 5% लोग अपने पैसे के दम पर पैसा कमाते हैं और हम और आप, इसका कोई रास्ता नहीं है। हम और आपके पास ना तो इसका कोई ऑप्शन है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सपोज मान लो आज मैं ही हूँ, मुझे चाहिए कि भाई मुझे एक ट्रक चाय पत्ती चाहिए। मैं कंपनी में गया, मैंने कंपनी वाले को जाके बोला कि भाई मुझे एक ट्रक चाय पत्ती चाहिए। अब कंपनी वाला मुझे सीधा सा जवाब क्या देगा? मुझे ये तो नहीं बोलेगा कि ले जाओ साहब, कंपनी खुली है आप ही के लिए। वो क्या बोलेगा? हमने आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर नियुक्त कर रखे हैं, आप उनसे मिलिए, उनके पास जाइए, उनका कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको जितनी चाहिए, एक ट्रक दो ट्रक जितनी चाहिए आप वहां से ले लीजिए। यानी सीधी सी बात है, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बिना इनको प्रॉफिट दिए हुए मैं बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। यानी एक व्यक्ति की गाढ़ी मेहनत की कमाई ये 5% चंद लोग, यानी 95% मेहनत करते हैं और 5% लोग पैसा बनाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसका रास्ता क्या है? है कोई रास्ता आपके पास? नहीं है, पर है मेरे पास रास्ता। रास्ता क्या है? DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब ये क्या है, ये सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या है, अब हम समझेंगे। जैसे हमने ये सिस्टम को समझा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, ऐसे ही अब हम सिस्टम को समझेंगे भी डायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड ये है कि यहां भी एक कंपनी है, यहां भी एक कस्टमर है। ये कंपनी कहती है ना आपको एजेंट बनना है, ना आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ना आपको होलसेलर बनना है, ना आपको दुकानदार बनना है, कुछ भी नहीं बनना, ना आपको यहां लाखों लगाने हैं ना करोड़ों लगाने हैं। वो कंपनी कह रही है कि सारा सिस्टम छोड़ दो, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है, आपको बस एक ही चीज करनी है, इस सिस्टम का रेगुलर कस्टमर बनना है। दो कदम मैं आगे, दो कदम आप आगे, हम और आप यहां मिल जाते हैं और हम और आपके मिलने से एक खूबसूरत सिस्टम का निर्माण होता है जिसका नाम है RCM बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि ये कंपनी कस्टमर, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, एक ग्राहक हम और आप सभी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कंपनी से डायरेक्ट, ये बीच के लोग सारे आउट। अब हमें क्या फायदा है? जैसे ये लोग कमाते थे, पर ये लोग फोकट में नहीं कमाते थे, ये लोग करोड़ों रुपए लगा के 10%, 15%, 20% प्रॉफिट कमाते थे। अब हमको करोड़ तो लगाने नहीं है, तो भाई हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें RCM बिजनेस के अंदर 1,000 रुपए का सामान लेकर अपना KYC ओके करवा कर इस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना है, जब आप 1,000 रुपए का सामान RCM बिजनेस से खरीदेंगे तो आपको एक परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर ID नंबर मिल जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर ID एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, कंपनी की अभी वर्तमान में 550 प्रोडक्ट है और भविष्य में जितनी आएंगी 5,000, 10,000, 20,000 जितनी प्रोडक्ट आएंगी, हर एक की आपकी एजेंसी का परमानेंट कोड है। और ये कोड किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं चलेगा, स्टेट वाइज नहीं चलेगा, ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर ID नंबर काम करेगा। आप समझ लीजिए कि RCM बिजनेस क्या है। RCM बिजनेस को 21 साल हो गए मार्केट में रन करते हुए। 21 साल में कंपनी ने जब शुरुआत की थी 21 साल पहले तो सिर्फ पैंट का एक कपड़ा था, आज कंपनी के पास 550 से अधिक प्रोडक्ट है। जब शुरुआत हुई थी भीलवाड़ा से तो एक ही पिकअप सेंटर हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से अधिक पिकअप सेंटर है, लगभग 45 से 50 बड़े मॉल बन चुके हैं और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो RCM जवान हुआ है, अभी तो आगे तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अब जब ये आप 1,000 रुपए का सामान खरीद कर परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ले लेते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आपको ये जो पैसा इन लोगों की जेब में जा रहा था वो कंपनी आपको देती है। कैसे देती है?
अब देखिए साथियों, जब आप कुछ भी आरसीएम से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए भी आपने 1000 रुपए का सामान लिया, तो 1000 की जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको तकरीबन हर प्रोडक्ट की अपनी एक बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने निर्धारित कर रखे हैं। उन बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम प्लस माइनस हो सकते हैं। मैं एवरेज आपको एक बता रहा हूँ कि 1000 रुपए का आप सामान खरीदते हैं तो तकरीबन आपको 500 बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म बीवी, बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। इन 500 बिजनेस वॉल्यूम का आपको मिनिमम शुरुआती लेवल में जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो उसका मिनिमम लेवल होता है, जैसे जैसे उसका बिजनेस, उसकी टीम का बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका परसेंटेज वाइज भी बढ़ता जाता है। तो मिनिमम 10% ये बीवी का 10% आपको कंपनी रिटर्न करती है। उससे पहले एक सिस्टम और है, मैं थोड़ा सा माफ करना बीच में भूल गया थोड़ा, जब आप किसी भी चीज को खरीदारी करते हैं तो उस पर एमआरपी लिखी होती है। जैसे मान लीजिए आरसीएम का ये डेटमैक्स साबुन है, ये डेटमैक्स साबुन की प्राइस है 30 रुपए। मार्केट में अगर कोई भी साबुन लेते हैं तो जो लिखे होते हैं वही हमको पे करने पड़ते हैं, पर आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में इसकी 30 रुपए प्राइस है, आपको यहाँ पे करने हैं 27 रुपए, यानी 3 रुपए आपके सीधे यहाँ कैश डिस्काउंट हो गया। अब इन 27 रुपए के ऊपर कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम दे रखे हैं, मान लीजिए यहां 13 बिजनेस वॉल्यूम बीवी दिए हुए हैं। अब यहां आपको 3 रुपया तो तुरंत खरीदते ही छूट मिल गई, फिर उसके अतिरिक्त यहां 13 बीवी मिल रहे हैं। इन 13 बीवी का मिनिमम हम पकड़ते हैं तो 10%, यानी कि आपको 13 बीवी का 10% के हिसाब से एवरेज लगभग 1 रुपया 13 पैसा कितना पैसा, एक मिनट चलो, 13 बीवी का 10% के हिसाब से 1 रुपया 30 पैसा कस्टमर को, 1 रुपया 30 पैसा कस्टमर को वापसी मिल रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि 3 रुपया यहां आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, 30 रुपए का साबुन आपको 27 रुपए में मिल रहा है, और शुरुआती लेवल में जब आप सिस्टम में जुड़ते हैं तो आपको 10% से शुरुआत होती है, उसमें आपको 1 रुपया 30 पैसा वापसी मिलता है। तो समझ लीजिए कि 27 में से माइनस 1.30 ये आपको 25 रुपए 70 पैसे में साबुन पड़ रहा है। जो जो आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, मिनिमम 10%, 12%, 14%, 16.5%, 19%, 21%, 24%, 26.5%, 29%, 32%। इस तरीके से आपकी यात्रा शुरू होती है 10% से, और जैसे जैसे आपका और आपकी टीम की खरीदारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कारवा आगे बढ़ता जाएगा और आपका लास्ट पड़ाव है 32%। आप समझ लीजिए कि जो साबुन 30 रुपए में आपको मिल रहा था वो 32% पर, यानी कि 3,50,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपके हो जाते हैं तो कंपनी आपको 32% खुद की खरीदारी का 32% पैसा आपको वापसी देने लगती है। मान लीजिए 13 × 32% तो 30 रुपए का साबुन 27 रुपए में मिल रहा है, 3 रुपए की यहाँ बचत हो रही है, और आपको 4 रुपए 16 पैसे यानी कि 27 में से माइनस 4 रुपए 16 पैसे यानी ये साबुन आपको पड़ रहा है सर जी 22 रुपए 44 पैसे में। आप समझिए कि 30 रुपए का साबुन 22 रुपए 44 पैसे, सॉरी 30 − 22.84 पैसे, 7 रुपए 16 पैसे आपके अकाउंट में वापसी आ जाएगी। ये सिस्टम, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक साबुन के ऊपर उदाहरण दिया, एक साबुन पर आपको 7 रुपए 14 पैसे वापस आ रहे हैं। ऐसी
तमाम प्रोडक्ट हमारे घर में जो यूज में आती है, मैं तो एक साबुन का उदाहरण दिया कि आप पूरे महीने में आपका एक साबुन तो लगता ही होगा, सीधी सी बात है, नहाने के साबुन है, टूथपेस्ट है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट केक है, टूथपेस्ट है, मसाले हैं, चाय है, आटा है, दालें हैं, ऐसी तमाम प्रोडक्ट हमारे घर में जितनी प्रोडक्टें लगती हैं उसमें लगभग 85% प्रोडक्ट आसिम सिस्टम के पास हैं। अब उनमें से एक जब एक साबुन पर आपका 7 रुपये बच रहा है तो ऐसी कई प्रोडक्टें जब इस सिस्टम से आप परचेज करेंगे तो आपके शुरुआती दिनों में ही कम से कम 200 से 300 रुपये बचना शुरू हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आसिम कंपनी जो है वो पैसा बांटती है, कहाँ से बांटती है, कैसे बांटती है, वो पैसा आसिम कंपनी अपने घर से नहीं देती है, ये पैसा जो इन लोगों की जेब में जा रहा था अभी तक उन लोगों को हटाकर कंपनी ने हम लोगों को डायरेक्ट देना शुरू कर दिया। अब फायदा क्या है, देखिए पैसा तो मिल ही रहा है, बचत भी हो रही है, पर सबसे मेन चीज जो फायदा है वो इस सिस्टम खूबसूरत सिस्टम की प्रोडक्ट का फायदा है, हमें कंपनी से डायरेक्ट माल मिल रहा है जिसकी वजह से बिचौलिए हट गए, बिचौलिए हटने की वजह से हमको शुद्ध बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है, जिसकी वजह से हमको जब बढ़िया प्रोडक्ट हम खाएंगे तो सीधी सी बात है बीमार नहीं होंगे। भाई मिलावट वाला खाओगे तो बीमार ही पड़ोगे, और जब बीमार पड़ोगे तो आपकी मेहनत की कमाई का पैसा डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर भी 12 फीट की तलवार लेके बैठा हुआ है, वो भी आपको भाई सीधी सी बात है ना, वो भी तो काटेगा आपको। अब आप इधर कमा रहे हैं, इधर डॉक्टर को दे रहे हैं, बाकी फिर ये तो माशाल्लाह ये तो कमा ही रहे हैं आप। अब जब आरसीएम सिस्टम से डायरेक्ट माल खाना शुरू करेंगे आप तो बढ़िया क्वालिटी का सामान आप खाएंगे, आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी, आपका पैसा भी बच रहा है, आपकी इस सिस्टम के माध्यम से आप एक नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको अच्छा लगा, भाई हम भी अभी तो वही कर रहे हैं। जब मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि कोई मित्र हैं और मान लीजिए उनको पूछा कि भाई आप ये मोबाइल कहाँ से लेके आए, तो उन्होंने कहा भाई ये फलाना दुकानदार के पास से लेके आए, चलिए हमको भी लेना है, दिल भाई ये चल के वहाँ से मैंने मोबाइल लिया 10,000 रुपये का, 10,000 का मोबाइल लेने से मेरे मित्र को क्या लाभ हुआ, वो दुकानदार कुछ देगा नहीं, देने वाला क्यों, क्योंकि वो खुद कमाने के लिए बैठा है। पर इस सिस्टम में जब आप जुड़ जाते हैं और किसी व्यक्ति को आप अपने अड़ोसी पड़ोसी पहचान वाले रिश्तेदार किसी भी व्यक्ति को इस खूबसूरत सिस्टम के बारे में बताते हैं कि भाई ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है, इसकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आती है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करिए, आपको अच्छा लगे तो 1,000 की प्रोडक्ट खरीद लीजिए और KYC सबमिट कर दीजिए, आप सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी टीम को डेवलप करना शुरू करते हैं तो अभी तो जो ये पैसा प्रॉफिट हो रहा है ये तो आपकी खुद की खरीदारी का हो रहा है, पर जो जो आपकी टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और वो लोग अपने घर में प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपने पैसे बचाएंगे, अपनी सेहत बनाएंगे और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, सीधी सी बात है। नेटवर्क, अभी नेटवर्क की मैं आपको सिस्टम बता दूं कि नेटवर्क कैसे काम करता है। आपको क्या लगता है कि दुनिया में सब सिस्टम बिना नेटवर्क के हो रहा है, दुनिया में कोई चीज बिना नेटवर्क के काम नहीं करती। आरसीएम बिजनेस के लोग डरते हैं, जोड़ने का बिजनेस है, एक दूसरे को फंसाने का बिजनेस है, साथियों जोड़ने का और फंसाने का बिजनेस नहीं है, ये जीवन बनाने का बिजनेस है। बिना नेटवर्क के दुनिया में कोई बिजनेस नहीं काम करता है। धीरूभाई अंबानी क्या बनाया, नेटवर्क बनाया, उन्हीं के बेटे मुकेश अंबानी ने क्या किया, फ्री में सबको सिम कार्ड दे दिए, दिए ना, हम और आप सभी अभी उपभोक्ता हैं, जियो जिंदाबाद, ठीक है। अभी जियो के माध्यम से मुकेश अंबानी ने 35 करोड़ कस्टमर बना लिए, शुरुआत में 1.5 साल 2 साल फ्री में दे दिया, हम लोगों को लत लगा दी, आदत पड़ गई सबको, जिनकी जिनको नहीं आदत थी सादा मोबाइल चलाने की वो भी स्मार्टफोन ले आए, अब उन लोगों को आदत पड़ गई। अब वही लोग आज शुरुआत में फ्री में दिया, अब जब लत लग गई तो बोला चलो भाई निकालो 200 200, आज 35 करोड़ कस्टमर हैं, 35 करोड़ कस्टमर का 200 200 पकड़ लो, तो मुकेश अंबानी ने जो पैसा इस जियो सिस्टम को खड़ा करने में लगाया वो पैसा तो उसने 12 महीने में निकाल लिया। क्या किया उसने, नेटवर्क बनाया। बिना नेटवर्क के कोई सिस्टम काम नहीं करती है। बैंकों का क्या है, नेटवर्क है। पोस्ट ऑफिस क्या है, नेटवर्क है। हर चीज बिना नेटवर्क के कभी बिकती नहीं है, बस फर्क इतना है वो लोग इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में इसी चीज को प्रमोट किया जाता है। इसलिए आपको लगता है कि यहां जोड़ने का फंसाने का बनाने का बिजनेस है, या ना भाइयों आपसे कुछ लिया जाता है, ना आपको फोर्स किया जाता है, आपको अच्छा लगे तो प्रमोट कीजिए, वरना आप यूजर तो है ही हैं। आप इस आरसीएम बिजनेस में नहीं आएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो क्या आप नमक नहीं खाते हैं, क्या आप मिर्ची नहीं खाते हैं, क्या आप धनिया नहीं खाते हैं, क्या आप मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज नहीं करते जो आपको मतलब बाहर से लाते हैं, वही तो है जो आप बाहर से ला रहे थे अभी तक, उसी प्रोडक्ट को उसी चीज को आपको आरसीएम से परचेज करना है।
और परचेज करते कूरते अच्छा लगे तो कुछ अपने मित्रों को बताना है, उन मित्रों को जब अच्छा लगेगा वो चार लोगों को बताएंगे, इसी तरीके से नेटवर्क बने लगता है। समझ में आया साथियों? तो बस यही आरसीएम बिजनेस है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, सिस्टम को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। यही एक ऐसा बिजनेस है आने वाले समय में। आज एक बहुत जबरदस्त में बात बताना चाहूंगा आपको, हम और आप जानते हैं एक समय था जब हमारे देश में 7% नौकरियां हुआ करती थी और लोग 4% पढ़ते थे। तो उस समय दौर में जितने लोग पढ़ते थे उन सबको जॉब मिल जाती थी। पर आज समय बदल चुका है, आज उल्टा हो चुका है। आज नौकरियां 7% हैं, पढ़ रहे हैं 70%। कहां से मिलेंगी नौकरियां? सबके पास है क्या जॉब? भारत सरकार नहीं, अमेरिका गवर्नमेंट भी सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो लोग पढ़ जाते हैं उनको सबको एसी वाली जॉब चाहिए, टेबल वाली जॉब चाहिए। ठीक है, तो मैं जॉब का विरोधी नहीं हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी के नीचे रहकर काम करने से अच्छा है आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते आप अपना खुद का एक बिना पैसे का एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आप पार्ट टाइम करते करते एक समय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगले कुछ समय में जब आप इसमें शुरुआत करेंगे आज से मान लो आपने शुरुआत की, आपने एक साल काम किया, दो साल काम किया, तीन साल काम किया, चार साल काम किया, एक समय ऐसा आएगा कि 5 साल बाद जो आपको आपकी जॉब दे रही होगी ना, वो पैसा इस सिस्टम के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आ रहा होगा। उस समय मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया आप जॉब करिए या बिजनेस कीजिए, आपको पता है, उस समय आपको पता चलेगा। पर आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टम क्या है। ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाता है ये सिस्टम। यही एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे हिंदुस्तान में आने वाले भविष्य का दर्शन करवाएगा। और इसी सिस्टम में वो ताकत है कि जो भारत सरकार की जो प्रॉब्लम है, अभी भारत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रेशर है, दबाव है, वो जॉब देने का प्रेशर है। हर साल करोड़ों बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। जितने लोग के लिए सरकार जॉब बना के तैयार नहीं कर पाती उससे ज्यादा तो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। कहां से मिलेंगी नौकरियां? तो ये आपके पास बड़ा ही खूबसूरत मौका है। इस सिस्टम को समझिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप जॉब कर रहे हैं वो तो करिए, इसमें तो कोई प्रेशर है नहीं आपके पास। इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, सिस्टम कैसे काम करता है, और शुरुआत कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत होती है प्रोडक्ट को यूज करते हुए। प्रोडक्ट ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, मैं कोई दुनिया का नया काम करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छा लगे, चार लोगों को बताइए, धीरे धीरे ये आपका बिजनेस डेवलप होने लग जाएगा। और आने वाले भविष्य में यही बिजनेस आपको बड़ी बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जय श्री राम। नमस्कार।